गद्दी पर विराजमान है आपसे के माध्यम से ईश्वर की मुझे एक और उनका आशीर्वाद मिले कि मैं एक बहुत बड़े मिशन पर आजकल लगा हुआ हूँ। राजनीति के साथ साथ जिस समाज में हमने जन्म लिया है, किसान परिवार में हम पैदा हुए हैं,
किसान के लिए कुछ अच्छा करने का एक अभियान हाथ में लिया है। किसान पेंशन जैसा एक बड़ा मुद्दा मेरे हाथ में, पिछले बहुत साल से मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लगभग 2011 से उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी एक सरकार की विधिवत कमेटी गठित हुई है, उसकी दूसरी बैठक कल है मेरी अध्यक्षता में। तो मैं कुछ जिस वर्ग में मैंने जन्म लिया, यानी कि किसान के लिए के घर में जन्म लिया, उस किसान के लिए मैं कुछ कर पाऊं, इस प्रकार का आशीर्वाद भी आपके माध्यम से ईश्वर से मुझे प्राप्त हो, यही बात कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और ये कागज क्योंकि मुझे अभी दिया है, पहले इसके बारे में आपने मुझे बताया नहीं था, लेकिन मैं एक बार बात करके, अगर पहले मेरे को बता देते, मैंने पूछा भी था कि कोई मांग क्या है, तो मुझे बताया था थोड़ा सा कि आप लोग आ ही जाना, वही हमारी मांग है। तो मैं एक बार पता करके, क्योंकि आज तक मैंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, इन 4.25 सालों में जो मैं कह करके गया वो पूरी ना हुई हो। यहाँ भी क्योंकि गुरु जम्बेश्वर जी के हम चरणों में यहाँ पर बैठे हैं, तो आज कोई गलत कमिटमेंट में करके नहीं जा सकता। जिस विभाग से जितना जो मिलना होगा पूरा प्रयास करके मैं करूंगा, ये मांग आपकी पूरी हो जाए। अच्छी बात तो ठीक नहीं मानू पक्की, लेकिन जो मेरे मुंह से कुलवाणी है वो एक बार मैं इसका पता करके, बेशक मैं आधे घंटे में आपको फोन कर दूं, बेशक कल कर दूं, लेकिन मैं पक्की एक बार फिर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की जो मांग है वो मेरे माध्यम से 100% पूरी हो। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर वधु बिश्नोई जी यहाँ कथावाचक के रूप में व्यास गद्दी पर विराजमान है, हमारे क्षेत्र में आई है, मैं पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका स्वागत भी करता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपको, आपके ऊपर सरस्वती माँ का हमेशा से आशीर्वाद रहे और आपके मुख श्री से अच्छा ही अच्छा मार्गदर्शन जनता को मिले। यही प्रार्थना करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। और ये जो समिति है यहाँ की, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मुझे आप सबके दर्शन करने का यह अवसर प्राप्त किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।